ना ना, फोटो को देखकर कुछ भी गलत मत सोचिए। मेरे विचारों को पढ़े और समझे। मुझे आज तक ये समझ नहीं आया कि ये महिलाएं अपना नंग शरीर अपने पति के अलावा किसको और क्यों और किस लिए दिखाती है। हम अपने संस्कार और संस्कृति भूल गए हैं। लड़कियों के अनावश्यक नंगता वाली पोशाक में घूमने पर तर्क है। इन कपड़ों के पीछे कुछ लड़कियां कहती है, हम क्या पहनेंगे ये हम तय करेंगे, पुरुष नहीं। जी बहुत अच्छी बात है, आप ही तय करें। लेकिन हम पुरुष भी किस लड़की का सम्मान मदद करेंगे ये भी तय करेंगे, स्त्रियां नहीं। और हम किसी का सम्मान नहीं करेंगे इसका अर्थ ये नहीं कि हम उसका अपमान करेंगे। फिर कुछ विवेकहीन लड़कियां कहती है कि हमें आज़ादी है अपनी ज़िंदगी जीने की। जी बिल्कुल आज़ादी है, ऐसी आज़ादी सबको मिले। व्यक्ति को चरस, गंजा, ड्रग्स, ब्राउन शुगर लेने की आज़ादी हो, मांस खाने की आज़ादी हो, वेश्यालय जाने की और खोलने की आज़ादी हो, हर तरफ से व्यक्ति को आज़ादी, हमें औरतों से क्या समस्या है। लड़की को संस्कारों का पाठ पढ़ाने वाला कुंठित स्त्री समुदाय क्या इस बात का उत्तर देगा कि क्या भारतीय परंपरा में ये बात शोभा देती है कि एक लड़की अपने भाई या पिता के आगे अपने निजी अंगों का प्रदर्शन बेशर्मी से कर सके। क्या ये लड़कियां पुरुषों को भाई पिता की नज़र से देखती है? जब ये खुद पुरुषों को भाई पिता की नज़र से नहीं देखती, फिर खुद किस अधिकार से ये कहती है कि हमें माँ बहनों की नज़र से देखो? कौन सी माँ बहन अपने भाई बेटे के आगे नंगी होती है? भारत में ऐसा तो कभी नहीं होता था। सत्य यह है कि अश्लीलता को किसी भी दृष्टिकोण से सही नहीं ठहराया जा सकता। यह कम उम्र के बच्चों को यौन अपराधों की तरफ ले जाने वाली एक नशे की दुकान है और इसका उत्पादन स्त्री समुदाय करता है। मस्तिष्क विज्ञान के अनुसार चार तरह के नशे में एक नशा अश्लीलता भी है। चाणक्य ने चाणक्य सूत्र में सेक्स को सबसे बड़ा नशा और बीमारी बताया है। अगर यह नंगता आधुनिकता का प्रतीक है तो फिर पूरी नंग होकर स्त्रियां अत्याधुनिकता का परिचय क्यों नहीं देती? गली गली और हर मोहल्ले में जिस तरह शराब की दुकान खोल देने पर बच्चों पर इसका बुरा प्रभाव पड़ता है, उसी तरह अश्लीलता समाज में यौन अपराधों को जन्म देती है। मेरा तात्पर्य किसी का दिल दुखाना नहीं है, सभी को अपना जीवन अपने तरीके से जीने का अधिकार है, बस तरीका सही होना चाहिए। ये पिक्चर तो एक आधार मात्र है, इससे भी अक्षम्य फोटो तो बहुत से लोगों ने देखी ही होगी। मुझे तो उचित लगा वो मैंने कह दिया, आपको जो उचित लगे आप वह कह सकते हैं।